महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज उपस्थित हूँ आपसे चर्चा करने के लिए अपना पुराना विषय। क्या विषय? कि शनि देव विभिन्न राशियों के विभिन्न भावों में बैठे होंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, पहले भाव से लेकर बारहवें भाव तक। बारहवें भाव मतलब आखिरी भाव। पहला भाव अगर हम कुंडली देखें तो पहला भाव जैसे शुरू होता है मेष राशि का पहला भाव, और बारहवें भाव आखिरी भाव। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पहले भाव से लग्न भाव से लेकर के और बारहवें भाव जो खर्च का भाव कहलाता है, तो कैसा फल देंगे शनिदेव। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं धनु राशि तक, अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के लिए। पर मित्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को भी फायदा होगा। तो मित्रों अगर मकर राशि के प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में शनि महाराज बैठे हों तो यहाँ पर तो शनि बहुत उच्च का फल देंगे। शनि की दशा अंतर दशा में सभी प्रकार के लाभ ही लाभ होंगे, क्योंकि मकर राशि शनि महाराज की अपनी राशि है। जातक लीडर होगा, लीडर बनेगा, किसी जहाँ फैक्ट्री में किसी जगह काम करता है वहाँ के स्टाफ का यूनियन का लीडर बन जाएगा। और जातक क्या है, न्यायप्रिय होगा, इसीलिए तो लीडर बनेगा, न्याय संगत बात करेगा, अपने दोस्तों अपने साथियों के लिए न्याय दिलाने के लिए लीडर बनेगा। जातक के अच्छी अच्छी खासी संपत्ति होगी। जातक शनि की दशा में उन्नति करेगा, क्योंकि शनि मकर राशि में बड़े उच्च के होते हैं, अपनी मकर राशि उनकी अपनी राशि है। तो व्यवसाय में हो या नौकरी में हो स्थायित्व प्राप्त करेगा, स्टेबिलिटी आएगी, नौकरी में या बिजनेस में स्टेबिलिटी तो आएगी आएगी। जातक बहुत ही तरक्की करेगा और शनि की दशा के दौरान जिंदगी में अच्छी ऊंचाई प्राप्त करेगा। ही विल अचीव एवरीथिंग इन द दशा एंड अंतर दशा ऑफ सैटर्न। तो शनि का मकर राशि के लिए प्रथम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा लाभदायक है। द्वितीय भाव में शनि आए अगर तो द्वितीय भाव का मतलब धन का भाव, धन के भाव में भी शनि यहाँ पर उच्च का फल देंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी, धन की धनाधन बारिश होगी, तो स्टेबिलिटी आएगी, धन की अवस्था में स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अच्छी अवस्था होगी। जातक लेकिन ऐसा हो सकता है कि रोजगार के सिलसिले में व्यापार के सिलसिले में अपने परिवार से दूर रहे, यानी विदेश भी जा सकता है। द्वितीय भाव के शनि आपको धन कमाने के लिए बाहर भेज सकते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बस थोड़ा सा कमी रह सकती है कि आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता आ सकती है, वाणी आपकी थोड़ी कठोर हो सकती है, वाणी से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान हो जाए, इसलिए वाणी को अच्छा बनाइए, वाणी को ठीक रखिए, मीठा बोलिए तो लोगों का प्यार मिलेगा, लाभ होगा। तो हम थर्ड हाउस में देखते हैं, यहाँ शनि अच्छा पल नहीं देंगे। तीसरा भाव अच्छा भाव नहीं है, 3, 6, 8, 12 चारों खाने अच्छे नहीं होते, तो यहाँ शनि अच्छा पल नहीं देंगे। जिंदगी में व्यर्थ की बाधाएं आएंगी, तरक्की के आपको जीवन यापन की तरक्की जीवन का पथ है उसमें रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी, छोटी छोटी हानिकारक यात्राएं होंगी, यात्राओं पर जाओगे लेकिन लाभ नहीं होगा, पैसा खर्चा होगा।
जातक को शनि की दशा के अंतर्गत, शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा में ये सब फल तभी ज़्यादा अच्छे और बुरे होते हैं। जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा भाई, जीवन संघर्षमय होगा। जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेगा, लेकिन जातक को अपनी इच्छा अनुसार फल नहीं प्राप्त होगा। भाई बहनों से संबंध तो अच्छे रखोगे, पर भाई बहन बदले में आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो तीसरे भाव के शनि पराक्रमशील तो हैं, पराक्रम तो कराएंगे, पर उस पराक्रम का फल भी तो मिले। अगर न्यायप्रिय रहोगे, अच्छा काम करोगे, गरीबों की सेवा करोगे, तो शनि हो सकता है ठीक फल दे रहे, अन्यथा कॉमन व्यक्ति को तो तीसरे भाव में शनि अच्छा फल नहीं देते। चौथे भाव में शनि आ गए अब, तो शनि चौथे भाव में भी नीच का होगा। माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, एक माता का भाव है। जातक अपनी संपत्ति नहीं बना पाएगा, संपत्ति का सुख का भाव है, तो अच्छा फल नहीं होने से क्या होगा, आप अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी को नहीं बना पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको समस्याएं आएंगी, नौकरी में व्यवसाय में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होंगी। आपको अपने लंग से संबंधित, आपको अपने हार्ट से संबंधित समस्या आ सकती हैं, छाती से संबंधित बीमारी हो सकती है और लंबी बीमारी चल सकती है। तो जन्म जातक को अपना मकान बनाने में बहुत अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मकान बनना बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो चौथे भाव में शनि आपको मकर राशि वालों, मकान तो बनेगा लेकिन दिक्कत से बनेगा। फिफ्थ हाउस में आ गए अगर शनि, तो शनि यहाँ पर अच्छा फल देंगे। संतान का भाव है तो संतान के लिए अच्छा फल देंगे, संतान को अच्छा फल देंगे, संतान से आपको अच्छा फल मिलेगा, संतान की पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, परीक्षाओं में इम्तहान अच्छा होगा, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। याददाश्त मेमोरी शार्प अच्छी रहेगी, इच्छा शक्ति विल पावर बड़ी अच्छी रहेगी आपकी, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा। जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता वाले काम करेगा और जातक थोड़ा हंसमुख भी होगा, लेकिन पेट संबंधी बीमारियां आएंगी, आएंगी तो सही लेकिन वो दूर भाग जाएंगी, शनि का सामना नहीं कर पाएंगे, बीमारियां दूर भाग जाएंगी। छठे भाव में शनि आए अगर, यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम नहीं देंगे, बीमारियों से पीड़ित रहेंगे। छठा भाव तो वैसे बीमारियों का ही भाव है, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करते रहेंगे। छठा भाव भाई दुर्घटना होंगी, दुर्घटना हो सकती हैं और दुर्घटनाओं में हानि हो सकती है, हानिकारक दुर्घटना होंगी। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है अगर, तो उसमें भी आपको असफलता ही आ जाएगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो उसमें या तो विलम्ब से सफलता मिलेगी या सफलता ही नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है भाई। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे आपके खर्चे, और जीवन पथ में सुख पाने के लिए, सुख योग चीज़ें लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते में बड़ी बाधाएं आएंगी, बड़े रोड़े आएंगे और आपको सुख सुविधाओं की चीज़ें हासिल करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सातवें भाव में अगर शनि महाराज बैठे हो, तो सप्तम भाव के शनि यहाँ पर अच्छा फल देंगे। शनि यहाँ से अपनी राशि को यानी लग्न को देख रहे हैं, मकर राशि है, लग्न में शनि सप्तम में बैठे हुए हैं, तो लग्न को देख रहे हैं, तो लग्नेश लग्न भाव को देख रहे हैं, तो कुंडली को अति बलवान बनाएंगे, जातक को अति बलवान, सुदृढ़ शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर, निरोगी रोग रहित एक्टिव बनाएंगे, आलस दूर करेंगे। जातक का भाग्य अति प्रबल होगा, चतुर्थ भाव पर दृष्टि होगी, तो यहाँ पर शनि की नीच की राशि मेष है, इसलिए शनि फोर्थ हाउस में नीच के होंगे, इसलिए फोर्थ हाउस के खराब परिणाम तो देंगे ही देंगे। माता के साथ जातक के अच्छे संबंध नहीं रहेंगे,
भूमि भवन वाहन के खरीदने में विलम्ब होगा और हो सकता है फायदा ना हो। तो शनि जो है चूँकि मेष राशि में नीच के होते हैं तो मेष राशि की वजह से नीच का फल देंगे। आठवें घर में शनि हो अगर तो शनि यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे। आठवां भाव तो वैसे ही खराब होता है। जातक को जीवन में बहुत सारी बाधाएं तथा रोड़े मिलेंगे। अपनी सुख सुविधा की चीज़ें हासिल करने के लिए परिश्रम करोगे, परेशानी लगी रहेगी, रास्ते में बड़ी बाधाएं आएंगी, उनको पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर सभी तरह की हानि ही प्राप्त होगी भाई। जातक बहुत समय तक सेटल नहीं हो पाएगा। अपने जीवन में, नौकरी में या व्यापार में सेटलमेंट होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। परिवार से संबंधित समस्याएं आएगी। जातक कार्य क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाएगा, स्टेबिलिटी न नौकरी में न व्यापार में। जातक का स्वर यानी वाणी प्रखर होगी, एग्रेसिव होगी, रुक्ष होगी, तीव्र होगी। तो वाणी दोष, वाणी को मधुर कीजिए अगर जीवन में फायदा पाना है तो। अगर नाइन्थ हाउस में शनि आ गए तो शनि यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। नाइन्थ हाउस भाग्य का, अगर भाग्य बढ़ाएगा तो जातक धर्म में विश्वास करेगा। यहाँ पर तो जातक पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। विदेश यात्राएं संभव हैं जो कि लाभकारी होंगी। पिता के साथ पिता का पूरा सम्मान करेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का भरत हस्त बना रहेगा। जातक को उच्च शिक्षा तथा रिसर्च में लाभ होगा। अगर जातक रिसर्च करता है तो रिसर्च लाभ मिलेगा। जातक किसी धार्मिक संस्थान में रहकर अपनी सेवा दे सकता है क्योंकि नमा भाव है, धर्म वाला भाव है। दसवें भाव में शनि हो अगर तो शनि यहाँ पर उच्च के होंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत से अच्छा संबंध, प्रगति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। संभव है कि जातक के साथ अनेकों व्यक्ति मिलकर काम करें। तो देख लीजिए आप, विदेश में जाकर विदेश की भूमि बस सकते हैं और विदेश में आपको काफ़ी लोगों के सहयोग मिलेगा, अच्छा व्यापार कर सकते हैं विदेश में। जातक के अंडर बहुत सारे वर्कर हो सकते हैं। तो जातक को भूमि भवन वाहन से लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि जा रही है दशम भाव से। माता से अच्छे संबंध, माता की कृपा प्राप्त होगी। जातक की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी होगी। पार्टनर से लाभ मिलेगा, डेली बेजर से सहयोग मिलेगा, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है भाई। तो जातक अपने कठिन परिश्रम से भूमि भवन प्राप्त करेगा। जातक को शनि की अंतरदशा में या शनि की महादशा में अपने जीवन में सेटल हो जाएगा और बड़ी अच्छी कृपा मिलेगी शनि की। आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी लेकिन हाँ बीच की रहेगी। जातक की आर्थिक अवस्था थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। विदेश में बस करके पैसा कमा सकता है। विदेश में पैसा कमाना आसान होगा लेकिन अपनी मातृभूमि में जहाँ अपना रह रहा है, पैदा हुआ है, वहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। भूमि भवन वाहन खरीदना लाभकारी होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आशीर्वाद मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली वेजर से अच्छा सहयोग मिलेगा, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। जातक अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। अब ग्यारहवें भाव में हम चलते हैं। तो ग्यारहवें भाव में शनि यहाँ अच्छा फल देंगे। ग्यारहवां भाव लाभ का भाव, ग्यारहवें भाव के शनि अच्छा फल देंगे। यहाँ परिणाम क्या है? एक्सलेंट परिणाम मिलेंगे। एक्सलेंट, नॉट गुड, नॉट वेरी गुड, एक्सलेंट। यानी जातक की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वही वाह, जातक के संतान तथा बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा क्योंकि ग्यारहवें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है। संतान की पढ़ाई लिखाई में, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है भाई। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। लाभ के भाव में बैठे हैं शनि महाराज ग्यारहवें में, तो हर चीज़ में लाभ ही लाभ है। नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, सब कुछ। संतान से लाभ, संतान को लाभ, कहाँ लाभ नहीं है।
लाभ ही लाभ मिल रहा है हर जगह भाई। जातक का पर्सनलिटी, जातक की व्यक्तित्व, जातक का बोल्ड होगा, बोल्ड पर्सनलिटी, स्ट्रांग पर्सनलिटी, दृढ़ पर्सनलिटी, कर्मशील, कर्मनिष्ठ, स्वास्थ्य अच्छा, निरोग, तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो ग्यारहवें भाव में बैठकर शनि मकर राशि को बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। बारहवें भाव के शनि जब आ गए, बारहवां भाव जो होता है वो 6, 8, 12 वाला, तो बारहवें भाव अच्छा नहीं है, यहाँ शनि अच्छा फल नहीं देंगे। जातक कार्य क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं प्राप्त करेगा। नो स्टेबिलिटी इन द वर्क प्लेस, नो स्टेबिलिटी इन द जॉब, नो स्टेबिलिटी इन द बिजनेस। तो व्यापार में या कार्य में, नौकरी में स्थायित्व तो नहीं आएगा। खर्चे इतने अधिक होंगे, क्यों, खर्च का भाव है बारहवां, कि जातक उनको संभाल नहीं पाएगा। खर्चे की पूर्ति करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा उसको, आर्थिक स्थिति डामाडोल और खराब होगी, अस्थिर होगी। परिवार का कोई व्यक्ति सहायता नहीं करेगा। जातक परिवार से दूर रहकर रोजी रोटी कमाएगा, बहुत घर से दूर रहेगा, विदेश में रह सकता है। वाणी थोड़ी उग्र होगी, तीखी होगी। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी जातक को। शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें भी असफलता ही मिलेगी भाई, असफलता ही आता आएगी। लंबे केस चल रहे हैं, कोई लंबित केस है पुराने, उनमें भी असफलता आ जाएगी। तो भाई असफलता ही असफलता है। और पिता के साथ जातक को थोड़ा गलत फहमी हो सकती है, पिता से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बारहवें भाव में शनि मकर राशि को अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। मित्रों, तो मैं अब यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को पहली बार आए हो तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, दोस्तों को शेयर करके जाइए। सब्सक्राइब करना तो ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं और वीडियो बनाऊंगा, वरना हिम्मत नहीं रहेगी, धीमे धीमे हो सकता है फेड आउट हो जाऊँ, बिना वीडियो बनाना बंद कर दूँ। लेकिन अभी तो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारूँगा। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले चैनल, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। जब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बटन दबाएंगे बेल का, तो आपको स्वतः ही मेरे अगले वीडियो की सूचना मिल जाएगी। तो मित्रों, अभी इतना ही, नमस्कार।